कंडीशन ऑफ स्ट्रेन विथ स्ट्रेस, मतलब एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम कर्व प्लॉट करने वाले हैं, और इस कर्व को हम कैसे समझाएंगे, ये है फॉर अ मेटालिक वायर, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर अ मेटालिक वायर, ना ये कोई नॉर्मल सॉलिड नहीं है, ये मेटल वायर के लिए देखा गया है। मतलब जब आप इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में आपका एक लैब होता है फिजिक्स में, सोमटोम लैब, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहाँ पे आप ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट ये करना होगा जिसमें हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक मशीन में ना आपको मैकेनिकली इनपुट देना है, अलग अलग वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस के लिए अलग अलग वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन निकल के आएंगे। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे एक रॉड लिया जाता है, मेटालिक वायर मतलब एक रॉड लिया, मेटल वायर लिया, मेटल ना एक लंबा सा वायर लिया जिसके बेस को आपने नीचे क्लैंप कर दिया, फिक्स कर दिया, और ऊपर से आपने इस पर क्या लगाया है ना, इसे टाइट कर दिया, और फिर यहाँ पे आप इनपुट डालेंगे कितना स्ट्रेस डालना है। तो कितना स्ट्रेस डालेंगे ना, जितना जितना स्ट्रेस बढ़ाते रहेंगे, नॉर्मली मेटल का वायर को आप हाथ से तो खींच नहीं सकते, पर हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इस पर कि ये ना इलोंगेट होता जाएगा। जैसे प्लास्टिक इमेजिन कीजिए, प्लास्टिक को जब आप खींचते हैं, पहले तो हल्का सा प्लास्टिक को खींचने पे कुछ नहीं होता, पर जैसे जैसे हम उस पर ना स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो वो प्लास्टिक और खींचा जाता है, बस वैसा ही कुछ केस है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ना जब जीरो स्ट्रेस था तब स्ट्रेन भी जीरो था, मतलब ओरिजिन हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ओ से ए पॉइंट तक जो है आपका, जब आप स्ट्रेस डबल करेंगे तो स्ट्रेन भी डबल होगा, स्ट्रेस को 10 टाइम्स करेंगे दैट इज स्ट्रेन भी 10 टाइम्स होगा। कहने का मतलब ओ से ए तक ये जो वायर है ये आपका प्रोपोर्शनल है ना लॉ को फॉलो कर रहा है। प्रोपोर्शनल लॉ मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और हमने बात की थी कि ये जो है ना स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अगर मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और इस प्रोपोर्शनैलिटी ना अगर कांस्टेंट की बात की जाए तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ करता था। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करके आया, और मेटल वायर के लिए ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्योंकि यहाँ लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जा सकता है। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये जो स्ट्रेस मतलब वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब एक्स एक्सिस, तो वाई बाय एक्स मतलब इस ग्राफ का स्लोप ना फ्रॉम ओ से ए में मुझे क्या देगा, मुझे इसका यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रहा होगा। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो मुझे ओ से ए तक ही ये जो प्रोपोर्शनल है लॉ उसको फॉलो करता है। मतलब ये जो पॉइंट है ना ए है, वो पॉइंट ए जो होगा उसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट करके। इस पॉइंट ए को मैं कह सकता हूं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट करके, मतलब यहां तक वो इस प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करेगा है ना। और यहाँ पे अब जैसे आप लेट्स से और थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो ये जो बी पॉइंट तक जो है ओ से बी जो है उस रीजन में हम यहाँ कह सकते हैं ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक रीजन है ये कहा जा सकता है। मतलब ओ से बी में ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। कहने का मतलब आप इस ओ से बी तक और ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही बिहेव करेगा, ए से बी भले आपका ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को फॉलो ना करे, पर हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस तक अगर आपने यहाँ पे बॉडी रिलीज की ना, रिलीज करने के बाद ये बॉडी अपना 100% ओरिजिनल शेप रिगेन कर लेगा, ये अज्यूम करते हुए कि ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है ना, उसको हम देख रहे हैं। और यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि जो ए तक तो वो हुक्स लॉ फॉलो करेगा, ओ से ए तक में हुक्स लॉ फॉलो करेगा, और ए से बी तक मतलब पूरा ओ से बी तक वो इलास्टिक बिहेवियर को शो कर रहा होगा। उसके बाद हम इसका जो और हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन इंक्रीज किया तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से निकल के आया, ये पॉइंट हुआ सी, ये पॉइंट हुआ मेरा डी करते हुए, और ये जो सी पॉइंट है इस सी पॉइंट को हम नाम देते हैं यील्ड पॉइंट,
है ना, ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट मेरा बना हुआ है यील्ड पॉइंट। मतलब मैं अगर और ना सपोज कीजिए मैंने और स्ट्रेस को बढ़ाया, और स्ट्रेस बढ़ाया तो और स्ट्रेन बढ़ेगा, है ना, पर यहाँ पे उतना कम स्ट्रेस बढ़ाने पे आपका ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा। यहाँ देख रहे हैं इतना सा स्ट्रेस बढ़ाया पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ा, तो यहाँ पे बी से सी में आपका जैसे सी पहुंच गया, जैसे ये वायर सी पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद ये जो वायर है अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगा। बी पॉइंट तक तो अपना शेप को 100% रिगेन कर लेता, और बी से सी पॉइंट तक में ना वो कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन के साथ हो जाएगा। जैसे अगर मैंने लेट से इस पॉइंट पे अगर छोड़ दिया इसे, तो उसमें इतना डिफॉर्मेशन बच जाएगा, लेट से इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन बच जाएगा। मतलब इस लाइन के पैरेलल आप इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो ये जो है ये आपका वो परमानेंट डिफॉर्मेशन है ना। डेल्टा एल निकाल लेंगे, स्ट्रेन पता चल जाएगा। तो और ये जो है इस सी पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल जो मैंने ड्रॉ किया, ये वो मैक्सिमम परमानेंट डिफॉर्मेशन जो उस वायर में हो सकता था, है ना, इसके ज्यादा मैक्सिमम परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और जैसे सी पॉइंट पहुंच गया, अब इसके बाद आप चाहे स्ट्रेस हटा दें, वो वापस से रिगेन नहीं करेगा, इतना उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। मतलब 100% रिगेन नहीं करने वाला, मतलब सी से डी जो रीजन है, वो सी से डी रीजन मेरा प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। मतलब अब उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बोलते हैं ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट आपका अल्टीमेट पॉइंट है ना। अल्टीमेट पॉइंट मतलब अगर इस पॉइंट तक मैं पहुंच गया, अब इसके बाद जो है अगर आप स्ट्रेस कम भी करते हैं, ये डी पॉइंट तक जब पहुंच गया, इसके बाद अगर स्ट्रेस घटा भी दिया जाए, जैसे ये स्ट्रेस था, अगर स्ट्रेस इसके बाद घटा भी दूं तो भी स्ट्रेन घटेगा नहीं, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। और जैसे ई पॉइंट आएगा, ये जो ई पॉइंट होगा, ये ई पॉइंट मेरा बन जाएगा फ्रैक्चर पॉइंट करके। इस पॉइंट पे जाके जो मेरा वायर है मेटालिक वायर, वो फ्रैक्चर कर जाएगा, वो टूट जाएगा ना। मतलब आप धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं सपोज, और इसमें धीरे धीरे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, पर जैसे डी पॉइंट आ गया, उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस को घटा भी दूं तो भी स्ट्रेन बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जैसे ई पॉइंट पे आने के बाद वो वायर टूट जाएगा। और जब टूटेगा ना, अगर हम दिखाएं तो उसमें कुछ इस टाइप का, आप प्रैक्टिकली जब करेंगे तो इस टाइप का कुछ है ना, ये वायर रह जाएगा, ये मेटल रॉड हो जाएगा, मतलब बीच में टूट गया। जैसे आप प्लास्टिक सोचिए, प्लास्टिक को जब आप तोड़ते हैं, जैसे इस चौक को भी अगर तोड़ा जाए तो बीच में वो गैप हो जाता है, तो इस तरह से इस मेटल वायर के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ देखा गया। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, इस वायर का ये लेट से एंगल 45 डिग्री दे दिया जाए, ये स्ट्रेट लाइन बस ओ से ए तक में है, तो ओ से ए में ये एंगल दे दिया, और आपसे पूछ लिया इसका यंग मॉडुलस बताइए, तो यंग मॉडुलस का मतलब इसका स्लोप मतलब tan 45 1 आ गया, मतलब हम बोल सकते हैं इसका यंग मॉडुलस 1 हो जाएगा अकॉर्डिंगली यूनिट्स रखते हुए। तो इस तरह से ना, अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यहां तक ग्राफ देखा था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, जिसमें ओ से ए जो था वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब वो प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो कर रहा था, दैट इज हुक्स लॉ ना, और इसका स्लोप मुझे देता था आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो हमने लिखा था टैन थीटा है ना इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और हम बोलते हैं फॉर स्मॉल स्ट्रेन्स है ना, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस बस हुक्स लॉ ओबे होता है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। फिर ओ से बी जो है वो मेरा इलास्टिक है ना लिमिट है, इलास्टिक बिहेवियर होता है। और यहाँ तक अगर मैं वायर को ए से बी में छोड़ भी दूँ तो वायर अपना 100% रिगेन करेगा ओरिजिनल शेप। सी पॉइंट था यील्ड पॉइंट मतलब गिव अप, इसके बाद ये वापस से अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर सकता, इसके बाद इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और परमानेंट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दिखाने के लिए इससे पैरेलल आपने एक लाइन खींची थी, ये छोटा सा है ना, बहुत हल्का सा डिफॉर्मेशन होते हैं मैक्सिमम परमानेंट डिफॉर्मेशन। फिर सी से डी था प्लास्टिक बिहेवियर, इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन बच जाता है, 100% रिगेन नहीं करता है, ये सी से डी प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। डी है मेरा अल्टीमेट पॉइंट, ये पॉइंट पहुंच गया उसके बाद वायर टूटना ही है, और डी हो गया फ्रैक्चर रीजन, मतलब फिर वो फ्रैक्चर कर जाएगा और ई पॉइंट पे आके वायर टूट जाएगा। तो अब इसको हम लैंग्वेज में लिखे हैं, तो पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड
by a load. तो वायर को लोड से स्ट्रेच किया, मतलब उस पर कोई फोर्स लगाया. इट इज सीन दैट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ लोड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोड होना चाहिए ना, जो आपका स्ट्रेस होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए. छोटा स्ट्रेस छोटा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, तभी ये हुक्स लॉ फॉलो होगा. एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन वायर इज प्रोपोर्शनल टू लोड, है ना. मतलब जो एक्सटेंशन दैट इज स्ट्रेन, वो आपका स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल होगा. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑन रिमूविंग लोड वायर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. तो ओ से ए तक में अगर वायर को आप, है ना, जो लोड है स्ट्रेस है उसको हटा भी देते हो, तो वायर अपना ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा, क्योंकि ओ से बी तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है. तो व्हेन लोड अप्लाइड इज, है ना, तो यहाँ लिखा है वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस ओनली व्हेन लोड अप्लाइड इज लेस और इक्वल टू अ सर्टेन लिमिट. तो ये वायर अपना ओरिजिनल डायमेंशन कब तक रिगेन करेगा, जब तक जो स्ट्रेस अप्लाइड है वो एक मैक्सिमम लिमिट के नीचे या उसके बराबर तक नहीं है. दिस लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. और ये जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस अप्लाई किया जा सकता है, इस लिमिट को, ये बी जो है वो मेरा इलास्टिक लिमिट बना हुआ है. सो इलास्टिक लिमिट, तो यहां बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन हूज रिमूवल बॉडीज रीगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशंस. तो ये जो बी है ना, इलास्टिक लिमिट जो पॉइंट बी है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो अप्लाई किया जा सकता है जिसको रिमूव करने पे, ऑन हूज रिमूवल बॉडीज रीगेन देयर ओरिजिनल डायमेंशन. बॉडी अपना ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन कर लेगी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओबी पोर्शन इन द ग्राफ. तो ये ओबी पोर्शन मेरा इलास्टिक लिमिट रीजन को शो करता है, और ओ से ए तक वो एक, है ना, हुक्स लॉ को फॉलो करता है. ए से बी में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है. तो लिखा है हमने टिल ए स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बस ए पॉइंट तक ही मेरा स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है. And from A to B, if deforming forces are removed, then wire comes to its original length, but their stress is not proportional to strain. A से B में अगर मैं stress हटा भी दूं, तो भी wire अपना original dimension पे आ जाएगा. पर A से B में वो आपका ये Hook's law को follow नहीं करेगा, मतलब stress strain के proportional law को follow नहीं करेगा. O से A तक ही वो stress is proportional to strain law को follow करेगा. तो यही हम बोल रहे हैं कि बट देयर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ए से बी में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, ओ से ए तक में बस स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट बोला गया है बियॉन्ड पॉइंट बी. अब बी पॉइंट के बाद में, ना, बी पॉइंट से सी पॉइंट ना एंड ऑनवर्ड्स, तो फॉर अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज. तो मैंने दिखाया था हल्का सा स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक, इतना सा स्ट्रेस बढ़ाने पे इतना सारा स्ट्रेन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ रहा है. तो यहाँ पे ये जो सी पॉइंट है वो पॉइंट बना हुआ है तुम्हारा यील्ड पॉइंट. तो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, है ना, हल्का सा स्ट्रेस आपने बढ़ाया पर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. दिस बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड अराउंड पॉइंट सी. तो ये ना जो बिहेवियर आपका सी पॉइंट के आसपास दिखाई दे रहा है. एंड एट दिस स्टेज वायर बिगिंस टू फ्लो लाइक अ विस्कस फ्लूइड. विस्कस फ्लूइड मतलब ऐसे सोचिए कि जैसे जैम जैसे फ्लो करता है. तो जैसे आप वायर को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जब वायर पिघल जाता है, मेटालिक वायर, तो पिघलने के बाद जैसे आप उसे खींचते हैं, तो एक, है ना, हल्का सा खींचे पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया. तो कुछ उस तरह से एक विस्कस फ्लूइड की तरह जो फ्लो करता है वायर, वो अराउंड पॉइंट सी करता है. तो पॉइंट सी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. और ये जो पॉइंट सी पॉइंट है, उसी पॉइंट को आप नाम दिए हैं यील्ड पॉइंट करते हुए. तो ये है मेरा वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस ना का ग्राफ. अब टू पॉइंट सी हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसके आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट. इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज वायर ब्रेक्स ऑफ एट अ पॉइंट डी कॉल्ड द ब्रेकिंग पॉइंट. मतलब अगर सी पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस और बढ़ाता हूँ सी पॉइंट से, और मैंने स्ट्रेस को बढ़ाया, तो जैसे इस डी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस पहुंच गया, उसके बाद वायर ब्रेक कर जाएगा. तो इस पॉइंट को आप ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं, और इसके करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल ऑफ वायर कहते हैं. क्योंकि इसके बाद अगर आप स्ट्रेस घटाते भी हैं, तो भी वायर ई पॉइंट पर आके फ्रैक्चर कर जाएगा. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज वायर ब्रेक्स ऑफ एट अ पॉइंट डी कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट. तो वायर इस डी पॉइंट पर आके ब्रेक कर जाने वाला है. स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस और
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, और इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग, इस डी पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग जो मेरा स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कहलाता है या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ वायर कहलाता है। नेक्स्ट है, मटेरियल फॉर विच प्लास्टिक रेंज सी डी इज रिलेटिवली हाई इज कॉल्ड डक्टाइल मटीरियल। अब ये जो सी से डी रीजन है, ये मेरा प्लास्टिक बिहेवियर वाला रीजन है, मतलब इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सी से डी रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है, ये मैं दो तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके लिए सी से डी रीजन ज्यादा है, इसके लिए सी से डी रीजन कम है। मतलब ये ज्यादा इलोंगेट हो सकता है, जैसे आप रबर को सोचिए, रबर को आप ज्यादा इलोंगेट कर सकते हैं, मतलब वो हो जाएगा आपका डक्टाइल मटीरियल। जो मेटल वायर होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, उन्हें हैमर करके आप उसको इलोंगेट कर सकते हैं, पर जो ग्लास होता है, ग्लास हल्का सा इलोंगेट होगा उसके बाद वो टूट जाएगा। जिसका ये प्लास्टिक रीजन कम होता है वो आपका कहलाता है ब्रिटल मटेरियल, इसका बेस्ट एग्जांपल ग्लास हो गया। और ये जिसका प्लास्टिक रीजन, सी से डी मेरा प्लास्टिक रीजन है, तो जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा वो मटेरियल आपका डक्टाइल मटीरियल होता है, और उसके लिए हम कह सकते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका मेटल वायर होगा। तो यहाँ पे लिखा है मटीरियल फॉर विच प्लास्टिक रेंज सी डी इज रिलेटिवली हाई, तो जिसका प्लास्टिक रेंज सी डी हाई है वो आपका डक्टाइल मटेरियल बना हुआ है, आर कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल। दीज मटीरियल्स गेट परमानेंटली डिफॉर्म बिफोर ब्रेकिंग, क्योंकि ये सी पॉइंट जैसे क्रॉस कर लिया, इसके बाद ये परमानेंट डिफॉर्मेशन बच जाएगा, तो टूटने है ना, जैसे आप प्लास्टिक में देखते हैं, जैसे उसे खींचते हैं ना, पहले तो एलोंगेट होगा, पर जैसे ही वो टूट जाता है उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन बन जाता है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं मटीरियल्स फॉर विच प्लास्टिक रेंज इज रिलेटिवली स्मॉल, जिसमें प्लास्टिक रेंज स्मॉल होता है, आर कॉल्ड ब्रिटल मटीरियल्स, ऐसे मटीरियल को ब्रिटल कहते हैं। जैसे आप ग्लास को ना आप खींचते हैं, लेट से स्ट्रेस अप्लाई किया, तो ग्लास ज्यादा इलोंगेट नहीं होगा, टूट जाएगा, तो वो मटीरियल ब्रिटल हो गया। दीज मटीरियल्स ब्रेक एज सून एज इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस्ड, जैसे ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगा उसके बाद हल्का सा ना स्ट्रेस अप्लाई होने पे उसका ज्यादा इलोंगेशन नहीं होगा तो वो टूट जाएगा। तो ये है मेरा इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का डिस्कशन, आगे बढ़ ब्रेकिंग स्ट्रेस करके। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने देखा था, ये वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जैसे इस ग्राफ से है ना मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, सपोज 20-30 करके। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या है, तो ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किस फोर्स पे जाके ये वायर टूट जाएगा डिवाइडेड बाय उस वायर का एरिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस एक वायर का कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब अगर मैं वायर का एरिया बढ़ाता हूं, डबल कर देता हूं, तो ब्रेकिंग फोर्स को भी डबल होना पड़ेगा क्योंकि रेशियो कांस्टेंट होना है। तो यहां से हम बोल रहे हैं ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल, मतलब एक पतला वायर को तोड़ने के लिए कम फोर्स चाहिए, अगर यही दो तीन वायर हो जाए, मोटा वायर हो जाए, तो उसमें फोर्स डबल चाहिएगा। रीजन यही है क्योंकि उस वायर का मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है जो कांस्टेंट है, तो एरिया बढ़ाइएगा तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस इज ऑलवेज केप्ट लोअर देन दैट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब जिस कंडीशन में आप वर्क कर रहे हैं उसका जो वर्किंग स्ट्रेस होता है वो हमेशा ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम रखा जाता है। जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर 10 है तो वर्किंग स्ट्रेस 5 रखा जाएगा, सच दैट 10/5 की वैल्यू आएगी 2, और इसी को आप कहते हैं सेफ्टी फैक्टर। तो जितना ज्यादा सेफ्टी फैक्टर ज्यादा होगा उतना अच्छा है हमारे लिए। तो यहां पे हम बोल रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस इज ऑलवेज केप्ट लोअर देन दैट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस सो दैट सेफ्टी फैक्टर इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस मे हैव लार्ज वैल्यू, ताकि ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू हो ये ज्यादा हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रेकिंग स्ट्रेन करके। अब यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है, जिस है ना स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग ये वायर ब्रेक कर गया ना, ये वो स्ट्रेन रहा, तो इलोंगेशन और कंप्रेशन टूटने से पहले डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, तो वही लिखा हुआ है कितना इलोंगेट हुआ और कंप्रेस हुआ बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब जैसे हम बात कर रहे हैं मेरा यंग मॉडुलस एक वायर का कॉन्स्टेंट होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस वायर का कॉन्स्टेंट है, तो जो ब्रेकिंग स्ट्रेन है ये भी कॉन्स्टेंट होगा।
ना, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड कांस्टेंट है, ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेन को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो यहां लिखा गया ब्रेकिंग स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल, ब्रेकिंग स्ट्रेन जो होगा वो एक मटेरियल के लिए आपका कांस्टेंट होगा। तो ये है मेरा वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विथ स्ट्रेस का ग्राफ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें हमने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है नोन एज सेफ्टी फैक्टर, विच इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस करते हुए। तो आगे बढ़े इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या है, जब आपने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और डिफॉर्मिंग फोर्स जब हटा देते हैं तो बॉडी जब अपना ओरिजिनल डायमेंशन पे रिगेन करने आता है ना, जब उस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो वो एक साथ में रिगेन नहीं करता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, बहुत स्लोली स्लोली होता है। तो ये जो टाइम डिले हो रहा है फॉर अ बॉडी टू रिगेन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, इसी को हम नाम दे रहे हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट करके। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सम मटेरियल बॉडीज से टेक सम टाइम टू रिगेन देयर ओरिजिनल कन्फिग्रेशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया तो बॉडीज को कुछ टाइम लगता है अपना ओरिजिनल डायमेंशन में आने के लिए। द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन बाय द बॉडीज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो ये जो डिले हो रहा है इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, उसको अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन अटेन करने में जो डिले हो रहा है बाय द बॉडीज ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन पे आएगी, तो ये जो टाइम डिले हो रहा है इसी टाइम डिले को आप नाम दे रहे हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट करते हुए। अब यहां बोल रहे हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज नेग्लिजिबल फॉर क्वार्ट्ज फाइबर एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज, ये आपके परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैं तो ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इसका टाइम डिले नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। सो सस्पेंशंस मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज आर यूज्ड इन गैल्वानोमीटर्स एंड इलेक्ट्रोमीटर, मतलब जैसे आपका गैल्वानोमीटर में क्या होता है कि करंट जैसे ही पास होता है ये आपका डिविएट होता है, और जैसे करंट बंद हो गया वापस उसी इंस्टेंट पे आ जाता है, क्योंकि इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत कम है, इसको आने में टाइम नहीं लगता है, इंस्टेंटेनियस है। तो इसीलिए जितने भी गैल्वानोमीटर्स और इलेक्ट्रोमीटर जो होते हैं, इलेक्ट्रोमीटर चार्ज को मेजर करने वाला डिवाइस, उसमें ये क्वार्ट्ज ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज किए जाते हैं क्योंकि उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नेग्लिजिबल है। पर जब ग्लास की बात की जाए तो ग्लास का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन आने में बहुत टाइम लगाएगा। तो यहां बोल रहे हैं फॉर ग्लास फाइबर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज वेरी लार्ज, तो ग्लास का इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इट टेक्स आवर्स for glass fibers to return to its original state on removal of deforming forces, जब आपने deforming force हटा दिया glass fiber पे से तो उसको घंटों लग जाएंगे अपने original state में आने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेरा इलास्टिक फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, थकान। तो इलास्टिक थकान का मतलब क्या बोल रहा हूँ, जैसे सपोज कीजिए ना आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप पढ़ाई करते हैं, फिर आप पे स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आप है ना लेट से वर्कआउट करते हैं, उसके बाद मतलब फिर सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तो ये रिपीटेड स्ट्रेस है ना अप्लाई हो रहा है जिसके कारण आप है ना अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रेस लगेगा कल नहीं लगेगा, रिपीटेडली, और है ना ऐसा भी नहीं कि कंटिन्यूसली लगे जा रहा है, स्ट्रेस लगा फिर रिलैक्स, फिर स्ट्रेस लगा फिर रिलैक्स। तो उसी तरह से सपोज कीजिए एक पुल है, ब्रिज है, ब्रिज पे है ना सुबह तो एकदम ट्रैफिक रहता है, तो सुबह ज्यादा स्ट्रेस होगा, ज्यादा स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और जैसे ही रात होती है तो रात को स्ट्रेन कम हो जाता है तो कुछ रिलैक्स होता है, फिर सुबह फिर होती है, फिर आपका उस पर स्ट्रेस बढ़ता है ना तो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो इस तरह से जब रिपीटेड उस पर स्ट्रेस स्ट्रेन है ना लेट से चेंज हो रहा है ना, जिसके वजह से एक टाइम आएगा जिसके बाद वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आने की जो कैपेसिटी होता है उसे खो देगा, मतलब वो आना ही नहीं चाहेगा क्योंकि थकान हो गया। तो इसीलिए जो एक बार ब्रिज बना दिया गया ऐसा नहीं वो लाइफ टाइम चलता है, 10 साल 20 साल के बाद उसे वापस से तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि वो जिस मटेरियल से बना है ये जो मेटल है तो उनमें इलास्टिक फटीग आ गया, अब वो अपना ओरिजिनल डायमेंशन नहीं आएगा, मतलब वो आपका अल्टीमेट पॉइंट पहुंच गया, उसके बाद सीधा फ्रैक्चर होने वाला है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए ना ये सब ध्यान रखा जाता है। तो लिखा है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेन्स ऑन मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। तो ये जो मटेरियल का जो
है ना, वापस से रीगेन करना अपने ओरिजिनल शेप में, तो उसका जो स्ट्रेंथ घट जाना ना, वो लॉस ही कर गया ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेन, क्योंकि उस पर रिपीटेडली स्ट्रेन बढ़ रहा है, और मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग्स। सो ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ देयर यूज। तो जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, वो लॉन्ग टाइम ऑफ यूज के बाद वो अनसेफ डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो ये है मेरा इलास्टिक फटीग पे और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिस पे हमें डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यहाँ तक का आप स्क्रीन सब्सक्राइब कीजिए आयोगा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।